चलिए हम अगली तस्वीर की ओर रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दो नगर सेवक व एक समाज सेवक पर लगा गंभीर आरोप, जिसका खंडन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के गट नेता नीलेश चौधरी ने कहा कि यदि अगर कोई सबूत आपके पास है तो आप उसे सामने करिए। खैर, इसमें दोषी कौन है यह तो अदालत ही तय करेगी, पर इस समय गंभीर आरोप लगा जिसके बाद तीनों ही, दो नगर सेवक व एक समाज सेवक, सभी ने इसका खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि अगर आपके पास कोई सबूत है तो सामने करें, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसमें दोषी है तो है कौन। हम आपको लेकर चल रहे हैं वह बिल्डिंग का दृश्य दर्शाने के लिए जिसे लेकर के इनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गट नेता नीलेश चौधरी के अलावा प्रभाग समिति तीन के सभापति हनुमान चौधरी व समाज सेवक महेश पाटिल तीनों जन के ऊपर यह एक आरोप लगाया गया है। सर, ये तो मामला उछल के सामने आया, इसमें आपकी क्या राय है? किस तरीके, किस नजरिए से और किस तरीके से इन लोगों ने आपके ऊपर ये काम किया है और इसमें सच्चाई क्या है? पहला, मैं आपके न्यूज के माध्यम से जोनी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरे ऊपर जो आरोप किया है, निका सराठी करके एक बिल्डर है, वो शामदानी हाइट का जो एक काम कर रहा है बिल्डिंग का, उसे एक G+4 और G+12 की बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग बनाई। अभी इसके अंदर सच्चाई ये है कि उन्होंने मुझे 60 लाख रुपए का मांगनी किया मैंने, और उसमें से 20 लाख रुपए मैंने दिया, ऐसा उसका आरोप है। पहला बात तो मैं ये खंडन करता हूँ कि मैंने उससे कोई पैसा नहीं लिया, और मेरे कोई साथीदारों ने दिया, हनुमान चौधरी या महेश पाटिल। मैं पहला उसके बात करना चाहता हूँ कि आपने अगर हमको 20 लाख रुपए दिया है तो कुछ उसका एविडेंस रहेगा। आपके पास राइटिंग में 20 लाख रुपए दिया हुआ, हमारे ऊपर तीनों का सिग्नेचर हुआ पेपर होता है, हमारे तुम्हारे ऊपर ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप रहेगी, या चेक से पेमेंट रहा होगा, यार तुमने इनकम टैक्स में बताया होगा, सबसे कुछ हमको बताए क्या बाबा ये तुमने पैसा, हमने इससे इसको दिया है। पहली बात तो उसने हमको पैसा दिया नहीं, और उससे दूर दूर तो आपसे सामने। अभी रहेगी बात उसमें जो मोड़ाराम चौधरी है, उस मोड़ाराम चौधरी के ऊपर फोन पे ऊपर बात हुई है। क्या बात हुई है? क्या सोने उसे देते हैं, सोना देते हैं, गिरवी रखते हैं, या कुछ भी है इसमें? अभी मोड़ाराम का और विकास वाणी का क्या संबंध है? दूर दूर तक कुछ संबंध है। मोड़ाराम उस बिल्डिंग के अंदर रहता है, यही उसका एक है। मैं इससे सविस्तर आपसे बताना चाहता हूँ कि 2017 में हमको लिखित में सोसाइटी के लोगों ने दिया है कि इन्होंने गार्डन के जगह के ऊपर बिल्डिंग बनाने का प्लान कर रहे हैं, उसके बाद में पार्किंग के जगह के ऊपर इन्होंने गाड़ी बनाई, मार्जिन 24 मीटर का रास्ता है धामनकर नाका से लेके ताला दिखता, वो रास्ता उसने टीडीआर लिया है लेकिन वो रास्ता भी नहीं छोड़ा, रैम बनाने का है और रैम नहीं बनाया, ऐसी बहुत सारी हमारे ऊपर उन्होंने मांगे रखी और लिखित है हमारे पास, कोई ये नहीं है। वो भी 2017 में जून महीने में, और उसके 2000 अगस्त में हमने उसको पत्र दिया है महानगर पालिका में कमिश्नर के, और इसके ऊपर तुम जांच करो, और उनका भी हमारे को पत्र आया है कि हमारी जांच चालू है इसके ऊपर, और इसको जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जो जो टर्म एंड कंडीशन चाहिए वो उसके पास नहीं है, उसने फायर की NOC नहीं है उसके पास, उसने रेफ्यूजी फ्लैट नहीं छोड़ा हुआ, टेरिस उसने बेच दी है, वो बल्कि टेरिस ओपन रखने की है, उसके बाद में लीप बार बार बंद हो रही है, लोग परेशान है, फायर सेफ्टी उसने लगाई है, सोलर उसने नहीं लगाया है, उसके बाद में उसने बेन बेस जो है अगर उसके अंदर पार्किंग रखी है और उसको रैम भी जाने को करता है तो बाजू से बहुत बड़ा नाला सब एरिया का वास ही जाता है गणेश मंदिर की तरफ से, वो नाले का पूरा पानी उस नीचे जो उन्होंने बनाया बेसमेंट उसमें जाता है, कहीं जीवित हानि या कुछ भी हो अगर बिल्डिंग पड़ने के आसार तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो रैम बनाना चालू कर दिया है वो अभी बनाना चालू किया, क्योंकि उसको पहला ही बनाने था, अभी उसने अभी चालू किया तो वो अभी टिकेगा कि नहीं टिकेगा,
ये तो लीगल जो है इंजीनियर या वो बोल सकते हैं, और हमारे ऊपर जो उसने आरोप किया है कि इन्होंने पैसा लिया है, ये सरल सा झूठा आरोप हमारे ऊपर है। मेरे अंदर जिस प्रभाव में मैं नगर से हुआ, मैं 20 साल से, उस 20 साल के अंदर एक भी अगर बोले बिल्डर या 25-30 लोग, मैं नाम देता हूँ उनके पास, बोलो बाबा इन्होंने कभी तुमको त्रास दिया, पैसा दिया, वो भी वो लोग ने किया, क्यों मेरे अंदर लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, कभी दिया होगा तो कोई पता है, तो मैं राजकारण से संन्यास लूंगा, लेकिन ये जो उन्होंने दिया है ये शर्म सा गलत दिया है। मेरे बदनाम, मेरे को, मेरे पार्टी को, मेरे परिवार को ये त्रास देने का काम इन्होंने किया है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास सब नाम आ गए हैं, और बहुत सारे लोगों ने उसको उकसाया है कि तुम ये करो वो, ठीक है, पुलिस और न्याय देवता उसके ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, और उस भरोसे के काबिल हम लोग आज है। अगर बात करते हो तो सही बात है, क्योंकि आप भी बहुत एक तजुर्बार आदमी हो, आप मैंने उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने को चालू किया, तो उन्होंने उस आकस्मिक पे पोटी हमारे जो भी है, अभी वो हमारे ऑफिस में आता था हमने मान्य किया, उसको हमने फोन किया मोड़ाराम चौधरी को, वो मान्य किया, उसके बाद में लेन देन की बात की, हमको पता है लेन देन हुआ है, उसके बाद में हमने पत्र दिया है कमिश्नर को वायदा क्या इसके ऊपर तुम कार्रवाई करो, अभी कार्रवाई करने के बाद वो तो उसके ऊपर हो गया क्या भाई इन्होंने हमसे पैसा लिया, अभी झूठ मूठ बात भी कुछ भी बता सकता है, लेकिन पुलिस के ऊपर हो टक्का हमारा भरोसा है या कानून के ऊपर भरोसा है, जो भी करेगी वो सही करेगी और हमको उधर से न्याय मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजकीय प्रेरित होके ये उन्होंने काम किया है, अभी उसके अंदर बहुत सारे कमियां हैं, आप जाके वो उधर का अभी भी मुआयना लेंगे तो आपके पूरा समझ में आएगा। आज भी उन्होंने गए 1 महीने से खड्डा खोद के रखा है राज के बारे में, लोगों को परेशान करने का काम चालू किया, वो भी नहीं करवाए, और उसने जो उधर पेपर्स दिए है तो फायर की एनओसी के लिए, ये फायर एनओसी का जो अधिकारी है सालवी, उन्होंने उसका सार घाट करके इन्होंने पूरा फायर का, अभी उसमें बेसमेंट पार्किंग की जगह बेसमेंट दिया, उनको राइट ही नहीं, वो पूरा राइट नगर रचना या कमिश्नर का है, कुछ भी फेरफार करना है आपको उधर बिल्डिंग के अंदर, वो पूरा राइट कमिश्नर को और नगर रचना का है, उसका कोई परमिशन लिया है क्या आपने? कुछ नहीं, लेकिन आपने ये सब झूठे मूठे काम करने के बाद अभी आपने गुनाह दाखिल किया है, अभी उसका लीगली हम लोग के लीगली जो टीम है, लीगली टीम अपना उसके ऊपर काम कर रही है, और जब जरूरत पड़ेगी हम पुलिस के सामने सरेंडर होंगे, जो करने का रहेगा वो पुलिस हमको न्याय और कोर्ट आपको कानून के साथ जाएंगे।